15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन देशभक्ति के गीत टीवी पर आते हैं। उनमें से ये दो गाने बहुत प्रचलित हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 1954 की जागृति फिल्म उस जमाने की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसी फिल्म के ये गाने देशभक्ति की भावना को समर्पित है। पर इस फिल्म में बाल कलाकारों के अलावा एक और व्यक्ति ने अपना पूरा योगदान दिया। आगे चलकर ये व्यक्ति हिंदी सिनेमा का प्रसिद्ध कलाकार कहलाया। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये नाम अनसुना सा होगा, पर उस जमाने से जुड़े दर्शक आज भी अभी भट्टाचार्य को याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अभी भट्टाचार्य का नाम लेते ही एक अलग छवि मन में पैदा होती है। हम जब भी अभी भट्टाचार्य को याद करते हैं तो स्कूल टीचर की छवि दिखने लगती है। अगर आपके मन में भी वही छवि आई तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि कुछ दर्शक ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करने का मुफ्त कार्य करके हमें प्रोत्साहित करिए। 20 नवंबर 1921 में जन्मे अभी भट्टाचार्य को हिंदी सिनेमा में बहुत कम बार याद किया गया। हालांकि अपने 40 साल के करियर में उन्होंने 150 फिल्मों में काम किया। जागृति फिल्म के कारण वे टाइपकास्ट एक्टर भी कहलाए, पर कुछ फिल्में थी जिनमें वो खलनायक के रूप में भी दिखते हैं। एक अजब और गजब कलाकार जिसका सिर्फ एक नाम था पर चेहरे अनेक थे। अविभाजित बंगाल के राजशाही में जन्मे अभी जन्मता अमीर थे। बचपन से ही सर से माता का हाथ छूट चुका था, इसीलिए उनकी परवरिश गया में रहने वाले चाचा चाची ने की। वैसे तो उनका पूरा खानदान अमीर हुआ करता था। ऐसे में चाची ने अभी भट्टाचार्य को साहित्य की ओर ढकेल दिया, जिसके कारण उन्हें संगीत, नाटक और कविताओं में दिलचस्पी आने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर की सामग्री ने उन्हें बचपन से दीवाना बना दिया था। पर अपने कला के साथ चलते हुए अभी भट्टाचार्य ने उच्च शिक्षा भी ली। गया में प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वे ग्रेजुएशन के लिए कलकत्ता आए। यहाँ आकर उन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे गया लौट आए, जहां उन्हें अमेरिकन एयर बेस में नौकरी मिल गई। अभी भट्टाचार्य का शुरुआती जीवन नौकरी और घर के लिए था। साहित्य के प्रति उन्हें प्यार तो पहले से था, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। कॉलेज के दिनों उन्होंने कुछ नाटकों में भी काम किया था, पर फिल्मों में उन्होंने कभी अपना नसीब आजमाया नहीं। पर एक दिन नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात फिल्मकार हितेन चौधरी से हुई। उन्होंने अभी भट्टाचार्य को मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इस काम के लिए हितेन चौधरी ने उन्हें पूरी सहायता की, इसीलिए जब वे मुंबई आए तो पहली फिल्म के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुंबई आकर वे बॉम्बे स्टूडियो गए, जहां नितिन बोस ने उन्हें अपनी आगामी बंगाली फिल्म नौका डूबी में बतौर हीरो ब्रेक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब पर आधारित ये 1947 की अच्छी फिल्म साबित हुई। पर इसके बाद अभी भट्टाचार्य को मुंबई छोड़कर कलकत्ता लौटना पड़ा, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनके परिवार को अपनी सारी जायदाद छोड़कर भारत बसना पड़ा। इस कठिन परिस्थिति में अभी भट्टाचार्य को अभिनय करियर छोड़कर परिवार के पास रहना पड़ा। पर कुछ दिन बाद उनके पुराने दिन वापस आए और कोलकाता के न्यू थिएटर फिल्म कंपनी में उन्हें काम मिल गया। वो साल था 1951 का। अभी भट्टाचार्य के 4 साल बर्बाद हो चुके थे, पर फिर भी यात्रिक फिल्म ने कमाल कर दिया। 1952 की ये फिल्म बंगाली और हिंदी दोनों भाषा में रिलीज हुई। उसी साल के दौरान उनकी दूसरी फिल्म भी रिलीज हुई थी। देविका बोस डायरेक्टेड उस फिल्म का नाम रत्नदीप था। इन दो फिल्म के साथ उनका अभिनय जीवन फिर से उठ गया। अगले 2-3 साल में उन्होंने तमाम बंगाली फिल्में की, पर वे सब एक के बाद एक फ्लॉप होती गईं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें मुंबई का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अभी भट्टाचार्य को सही मायने में प्रसिद्धि जागृति और विराज बहु इन दो फिल्मों ने दी। जागृति के कारण उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड भी मिला। सत्येन बोस और बिमल रॉय जैसे कामयाब डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद उनकी पहचान बढ़ने लगी
और अभि भट्टाचार्य हिंदी और बंगाली फिल्मों के सफल अभिनेता बन गए। परिचय, नाता, सैलाब, अपराधी कौन, सुबर्णरेखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी फिल्मों के कारण अभि भट्टाचार्य का फिल्मी करियर खूब चमका। पर इन फिल्मों के कारण वे टाइपकास्ट एक्टर्स के लिस्ट में आने लगे, इसीलिए उन्होंने अपनी इमेज बदलते हुए खलनायक किरदार लेने शुरू किए। अभि भट्टाचार्य की दमदार एक्टिंग के बदौलत खलनायकी में भी वो सफल रहे। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि अभि भट्टाचार्य बहुत बड़े एक्टर थे, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट था, पर फिल्मकारों ने उस टैलेंट का इस्तेमाल किया नहीं, इसीलिए अभि भट्टाचार्य की तरक्की रुकने लगी। पर 70 के दशक के दौरान उनकी कुछ फिल्मों ने जादू मचा दिया। जेलर, दोस्ती, अनुराधा, आशीर्वाद, अंदाज, आराधना, दुश्मन, अमानुष, इन सुपरहिट फिल्मों में भी अभि भट्टाचार्य दिखते हैं। महाभारत, भगवान परशुराम जैसी धार्मिक फिल्मों में उन्होंने भगवान विष्णु का किरदार निभाया था। अभि भट्टाचार्य का फिल्मी दौर धीरे धीरे होते हुए डूबने लगा। इसके पीछे ये भी कारण था कि उन्होंने अपने एक्टिंग का तरीका बदला नहीं। हर किरदार में एक जैसे एक्टिंग करने के कारण फिल्मकारों ने उन्हें भूलना शुरू किया, पर इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि महान फिल्मकारों के साथ काम करने के कारण उनका नाम अजरामर हो चुका था। ऐसे में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए खुद को अध्यात्म में मिला दिया। उस वक्त कलकत्ता में अमिया रॉय चौधरी नामक गुरु हुआ करते थे, जिन्हें दादाजी भी कहा जाता था। अभि भट्टाचार्य दादाजी के साथ समय गुजारने लगे और धार्मिक कार्यों में सहयोग करने लगे। उस वक्त मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका घर हुआ करता था। उस घर का इस्तेमाल समाज कार्य के लिए होने लगा। वो साल था 1971 का। अपने जीवन के अंतिम चरण तक अभि भट्टाचार्य ने सामाजिक और धार्मिक कार्य किए, पर ऐसा होते हुए भी उनका घरेलू जीवन सुख भरा नहीं था। उनकी अभिनेत्री बीवी प्रणिति घोष के साथ बिगड़े हुए संबंध तनाव का विषय था। पर इन बातों को पीछे छोड़ते हुए अभि भट्टाचार्य ने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा और करीब करीब 20 साल तक गुरु के रूप में जीवन अर्जित किया। पर ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास लिया। अपने आखिरी सांस तक वे फिल्मों में एक्टिंग करते रहे। 1994 की प्रोफेसर की पड़ोसन उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जो उनकी मृत्यु के एक साल बाद रिलीज हुई थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।